हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल. मैं हूँ एनिग्मा. सो देखते हैं आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा. एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए ताकि और इस चैनल को हम आगे बढ़ा सकें, ताकि मैं और हिंदी रीडिंग्स आप लोगों के लिए ला सकूँ. सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. लिब्रा, ये एक जनरल मैसेज है, हो सकता है कुछ लोग के साथ रेजोनेट करे ना करे, कुछ पार्ट्स करे ना करे. सो टेक इट ईजी. और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, वाइब्रेटर बेस स्पेल्स के लिए या प्रीमियम चार्ज क्रिस्टल्स के लिए, जो कि 100% प्योर और बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड क्वालिटी के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं और एनर्जाइज रहेंगे वो. सो जो भी है, जो भी सर्विस आप चाह रहे हो, आप उसके लिए मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो. फॉलो करें इंस्टाग्राम पे फ्री रील्स देखने के लिए. और enigma.in है इंस्टाग्राम का आईडी. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और बाकी के चैनल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर आप लिब्रा को इंग्लिश में देखना चाहते हो तो एनिग्मा चैनल को भी सब्सक्राइब करें. मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस रीडिंग के नीचे. एंड एनिग्मा स्कॉर्पियो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें. लेट्स सी द मैसेजेस. क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए दिसंबर के लिए हैं लिब्रा? अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन हो या फिर किसी लिब्रा पर्सन से डील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकेगी, करेगी. ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द एनर्जी देख रहे हो आप, नाइट ऑफ वांड्स. किसी ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, और वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और रीच आउट करना चाह रहे हैं, बट रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और होगा. ठीक है, सो यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह से. लेट मी सी और क्या क्लैरिटी मिल सकती है इन पर्सन के बारे में लिब्रा को. ओके, ये पर्सन ना काफ़ी देर से कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि इमोशंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, अप एंड डाउन है, बहुत मूडी हैं ये अभी करंटली. इनकी लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव है, चल नहीं रहा कुछ कुछ भी अच्छा, और आपको बहुत मिस करते हैं. ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा ये कैसे आगे बात बढ़ाए, क्योंकि ये आपके बिना एकदम स्टक हो गए. जब से आप इनकी लाइफ से गए, इन्हें लगा था इनको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया है, मिल गई है, और इनको ये रियलाइज़ हुआ कि उल्टा इनकी लाइफ में डाउनहिल चला गया, मतलब डाउनग्रेड हो गया इनकी लाइफ. उतनी अच्छी नहीं है. सो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को वापस से अपने बैलेंस पे लाने की, ऊपर लाने की, बैलेंस होने की, मूव ऑन होने की, बट एक तरह से स्टक हो चुके हैं जब से आप इनकी लाइफ से गए हो. तो इनके माइंड में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर? काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं आपको रीच आउट करने की, बट हिम्मत नहीं पड़ रही. ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत था, इनको गिल्ट है. इनको ऐसा लग रहा है कि ये होप करते हैं कि ये आपको, अगर आपके पास आए तो आपसे अपोलोजाइज करेंगे, और इनको ये भी लगता है कि इन्होंने जो पास में किया वो बहुत ही कहते हैं ना, जैसे बिना सोचे समझे और गलत तरीके से इन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया और इन्होंने एकदम से आपको रिजेक्ट किया, तो उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा हर्ट है. उस टाइम पे इनका माइंडसेट भी उस तरीके का नहीं था कि ये आपके बारे में कुछ पॉजिटिव सोच पाएं. क्यों उन्होंने आपको पास्ट में लेट गो किया? क्योंकि आप चाह रहे थे मैरिज, आप हो रहे थे सीरियस, और ये पर्सन थे अभी बहुत यंग. इनको था कि नहीं, मुझे तो इन्जॉय करना लाइफ को, ये मैरिज का चक्कर मुझे नहीं चाहिए, और इस वजह से इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया. इनको आपके लिए तब भी रिस्पेक्ट थी, अब भी रिस्पेक्ट है, लेकिन द फैक्ट कि ये रेडी नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, जिस वजह से इन्होंने आपको लेट गो किया. एंड व्हाई इज दिस हायरोपैंट? देखो, ये भी लग रहा है कि इनको ना आप ऐसे पर्सन लगे हो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, और अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व होते भी हैं फॉर फन, तो आप इनको बहुत इजीली अपने मतलब जाल में फंसा लोगे, कुछ ऐसा कि आप उसको क्रेजी कर दोगे अपने लिए, और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये ना हो कि उनकी मैरिज हो जाए आपके साथ. तो एक डर की वजह से कि कोशिश थी इनकी कि ये अपने आप को कंट्रोल में रखें, इसलिए आपको अवॉइड करे थे. दूसरी चीज़ ये भी है कि इनकी फैमिली या स्टेटस जो भी है वो बहुत डिफरेंट है आप लोग के फैमिली बैकग्राउंड से,
जिसकी वजह से उनको ये भी लगता है कि चांस ही नहीं है ये रिलेशनशिप कभी भी वर्कआउट कर सकता है। ये लियो टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हैं ये, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, कोई भी साइन हो सकता है बेसिकली। बट ये जो भी है ना, इनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत जल्दी इनको अपने ट्रैप में कर सकते हो, इन योर लव, सो आप इनको स्पेल बाउंड कर सकते हो। तो इस डर से ये पर्सन बैक ऑफ हुए हैं। या यहाँ पे एक और चीज़ है, इनको ना किसी ने, जो आपको भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं, वो पर्सन काफ़ी क्लोज हैं इनके भी आपके भी, उन्होंने इनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जिसकी वजह से इनका एक तरफ से ट्रस्ट चला गया आपकी तरफ। ठीक है, इनकी अट्रैक्शन आपसे हो रही थी, बट इन्होंने किसी और की बातों में आकर स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। इनको कोई बात ऐसी चुभी है आपके बारे में, या इनको झूठ बोला गया जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। इनकी करंट एनर्जीज आपकी तरफ क्या हैं? इसी करंटली देयर इन लव दिस पर्सन, ये पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो और ये पर्सन को आपकी रियलिटी पता लग गई है, जिन्होंने भी इनको आपके बारे में महलाया फुसलाया था या गैस लाइट किया था, वो सच सामने आ गया है। उस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है। और यहाँ पे मुझे ये क्लियरली लग रहा है कि अब ये बैलेंस माइंडसेट और मोर मैच्योर माइंडसेट के साथ आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करने आना चाह रहे हैं। अब आपका क्या अप्रोच होगा, लेट्स सी। एक मैसेज हो सकता है जो आए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा अपने बारे में कि हाँ, दैट दिस पर्सन स्टिल अट्रैक्टेड टू मी। आपको थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन फील होगी, आप इनसे बात करेंगे, बट उसी के बाद आप बहुत जल्दी इनके साथ लड़ पड़ोगे और इनको अवॉइड करोगे और इनको कट ऑफ करने की कोशिश करोगे। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप इनको ऑन ऑफ एनर्जी में रखो और जो इन्होंने आपके साथ किया था वही इनके साथ करो, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि आप फुली इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस तरीके से, तो ज़रा सी अट्रैक्शन रहेगी, उस वजह से आप बात करोगे, बट फिर उसके बाद एकदम से गायब हो जाओगे इनकी लाइफ से, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यस मुझे नहीं लगता आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट है, क्योंकि आपके माइंड में जो पास्ट में इमेज बन चुकी है इस पर्सन की आपके माइंड में, वो इमेज आप डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, वो इमेज को रिप्लेस करना एक न्यू इमेज के साथ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पर्सन को बहुत दुख होगा इस चीज़ का, बट इवेंचुअली आई फील के इसका कोई एंडिंग नहीं है, आउटकम नहीं है, बट ये पर्सन अभी करंटली आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, और बात करने के बारे में सोच रहे हैं, रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हुई पड़ी है, बहुत डिप्रेस्ड हैं, पास से हैं, दूर हैं, और आपकी तरफ एक अपॉलोजी के साथ, एक गिफ्ट के साथ आना चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बट बहुत मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि आप इनको अकेला फील करवा दोगे, आप इनको छोड़ दोगे। ग्रास इज ग्रीनर, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इनसे बेटर पर्सन है, और मुझे लगता है आप इनसे बात तो ज़रूर करोगे, बट आप इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखोगे पहले की तरह, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में रिसीव किया था, चीट किया था, जिस वजह से आप इनसे उस तरह का कनेक्शन नहीं बना पाओगे चाहने के बावजूद भी। ठीक है, बट यस, आपकी लाइफ पे कोई नया पर्सन आने वाला है, जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लिब्रा, बट ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप थोड़े से लव लाइफ को लेके बिल्कुल ही होपलेस हो सकते हो, ये सोच सकते हो यार कुछ नहीं होने वाला, छड़ परा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहो और अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करो, और डरो मत, न्यू बिगिनिंग से मत डरो, ये आपको मैसेज है। एंड यस, ये पर्सन पास के जो है ना, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि उन्होंने गलती की आपको अवॉइड करके, आपको पीछे हटा के। ठीक है, और अब इनको उस चीज़ का समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ को ठीक करें आपके पास, बट ये पर्सन आपके सोलमेट नहीं है, बट इनको आपसे प्यार हो गया। सो यहाँ पे क्या है, टेम्पल पाथ, आई फील लाइक कि आप कुछ स्पिरिचुअल देख रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ नया और मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग, एक कम्प्लीटली न्यू साइकिल चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो राइट पर्सन के साथ,
तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन बनने वाला है किसी नए पर्सन के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं वो, और ये तब आएंगे जितना आप प्रेयर्स करोगे, जितना आप प्रे करोगे, जितना आप मैनिफेस्टेशन करोगे, उतना जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएंगे। सो दैट्स योर रीड, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताओ कैसी लगी, शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी बुकिंग के लिए और लिब्रा की इंग्लिश रीडिंग का लिंक। ओके, आई सी यू बैक, बाय।